हरियाणा के जींद और राजस्थान की रामगढ़ विधानसभा सीट पर 28 जनवरी को हुए उपचुनाव में राजस्थान की रामगढ़ विधानसभा पर कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली है। कांग्रेस के उम्मीदवार साफिया जुबेर खान को 83,311 वोट मिले, तो वहीं भाजपा 71,083 को वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रही। इस जीत के साथ 200 सीटों वाली राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस की 100 सीटें हो गई हैं। उन्होंने भाजपा के सुखवंत सिंह को 12,228 वोटों से हराया। जींद में वोटों की गिनती जारी है। यहां भाजपा के कृष्ण मिड्डा 10 राउंड की काउंटिंग के बाद 15,878 वोटों से आगे चल रहे हैं। 8वें राउंड की गिनती के दौरान ईवीएम मशीन के नंबर मैच नहीं करने पर काउंटिंग सेंटर के अंदर उम्मीदवार विनोद आश्री के समर्थकों ने हंगामा किया। इसके बाद काउंटिंग सेंटर के बाहर भी कुछ लोगों ने हंगामा किया। पुलिस को हंगामा कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज करना पड़ा। हंगामे के कारण काउंटिंग करीब 55 मिनट रुकी रही।